एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी कृष्ण और प्राची की लव स्टोरी लिख के। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि कृष्णा और प्राची के बीच में जबरदस्त रोमांस चल रहा होता है। अब देखते हैं आगे। तो प्राची कृष्णा के ऊपर आ चुकी होती है और उसकी नशीली आँखें देख के और ज़्यादा धीरे 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 अट्रैक्ट हो रही होती है उसके ऊपर, और वो खुद को रोक ही नहीं पाती। जैसे तैसे थोड़ा सांस लेके ना वो धीरे धीरे उसके लिप्स की तरफ फिर से बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे जाके ना वो कृष्णा के लिप्स को बाइट कर लेती है। कृष्णा के मुँह से आह की आवाज़ निकल जाती है, और इस आवाज़ से ना जो प्राची का ना जुनून होता है और बढ़ने लगता है, और उसको और धीरे धीरे हल्के हल्के से बाइट करने लगती है। कृष्णा भी ये सब चीज़ें बहुत इन्जॉय कर रही होती है, बट वो हल्की हल्की सी आह भी भर रही होती है, और प्राची को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सुकून दे रही होती है। प्राची कृष्णा को किस करते करते ना उसका हाथ धीरे धीरे कृष्णा के बॉडी पे मूव कर रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी को टच कर रहा होता है, और धीरे धीरे उसके हाथ जाके कृष्णा के सीने को टच करता है, यानी कि उसके ब्रेस्ट पे। और जैसे ही प्राची का हाथ कृष्णा के ब्रेस्ट पे टच होता है ना, कृष्णा एकदम से घबरा जाती है। तो प्राची जैसे ही कृष्णा की तरफ देखती है, उसकी आँखें नशीले की वजह है ना घबराहट के मारे एकदम दिख रही होती है। तो प्राची पर कृष्ण समझ नहीं पाती है, वो कृष्णा को देखती है उसी नशीली आँखों से अपने, और इशारों में पूछती क्या हुआ। तो कृष्णा एकदम घबराई हुई सी ना प्राची का हाथ ही रोक देती है। तो कृष्णा एकदम से उठने लगती है, तो प्राची बोलती है क्या हुआ। तो कृष्णा बोलती कुछ 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 भी नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है, सो प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। ऐसे बोल के वो प्राची का हाथ रोक देती है। प्राची को पहले तो समझ नहीं आता कि ये हो क्या गया। प्राची कृष्णा को पूछती है, आर यू ओके, सब ठीक है ना, आप कंफर्टेबल नहीं हो तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कृष्णा बोलते मुझे वॉशरूम जाना है। तो प्राची बोलते बट ऐसे अचानक से। तो कृष्णा बोलते मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ 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 आप हटो, प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल के वो प्राची को अपने ऊपर से हटा लेती है और भाग के ना वॉशरूम के पास चली जाती है, और जोर जोर से गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। इधर प्राची को समझ नहीं आ रहा होता, उसकी भी धड़कने वगैरह सब कुछ तेज हुई होती है, बट कृष्णा की ऐसी हालत देखी उसको भी समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ये सारी चीज़ें करने में जल्दबाजी कर दी, क्या मुझे कृष्णा की भी रजामंदी पूछनी चाहिए थी, मैंने ये कहा क्या कर दिया, अब कैसा लग रहा होगा, मैं कैसे फेस करूँ, मे भी कृष्णा को ये सब इतनी जल्दी नहीं चाहिए होता, और मैंने ये क्या कर दिया। ऐसे बोल के ना उसको उसके एकदम गिल्ट हो रही होती है। दूसरी तरफ ना कृष्णा वॉशरूम में जाके एकदम तेज तेज सांसें ले रही होती है, उसको बार बार वो मोमेंट याद आता है कि जब प्राची ने उसके सीने को ऐसे पकड़ लिया था। तो वह कृष्णा को बहुत ही अजीब लग रहा होता है, क्योंकि उसके साथ ये एक्सपीरियंस पहली बारी हुआ है, और जबकि वो खुद को लड़का समझती, इतने इतने दिन से लड़कों जैसे ही बड़ी हुई है यार, तो वो खुद को ऑलमोस्ट वो लड़का ही समझती है, बट अंदर से पता होता है कि वो भी लड़की है, और उसको ये सारी चीज़ें ना इतना ईजी नहीं लग रहा होता, उसको अनकम्फर्टेबल थोड़ा तो होता है, बट वो प्राची से प्यार भी इतना करती है कि उसको रोक ही नहीं पाती आगे बढ़ने से। बट जैसे ही वो मोमेंट आता है ना, कृष्णा एकदम घबरा जाती है, उसको ये तो पता होता है कि प्राची को उसका सच पता है, बट फिर भी वो अनकंफर्टेबल थोड़ी सी हो जाती है, और बोलते कि मुझे ये क्या हो रहा है, वो उसका हक है, नहीं हम हस्बैंड वाइफ है, नहीं 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 ये शादी सही नहीं है, बट उसको पता है मैं लड़की हूँ, फिर मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ, जबकि मैं भी उसको प्यार करना चाहती हूँ, मैं भी उसको पास आना चाहती हूँ, ये कैसे क्या बस सब कुछ ठीक था, बट जब उसने मुझे छुआ तो मुझे ये घबराहट क्यों क्यों हो रही है। कृष्णा को भी अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही होती कि उसको ही अचानक से अकॉर्ड वाली फीलिंग्स क्यों आ जाती है प्यार के बीच में से, और इस चीज़ को लेके ना वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। वो वॉशरूम में ही इधर से उधर टहल रही होती, बोलते कि मैं क्या करूँ, मैं उसको प्यार करती हूँ, बट उसके साथ मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रही हूँ। प्राची क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, और दूसरी तरफ प्राची यही सोच रही होती कि कृष्णा के साथ मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, जबकि उसको ये चीज़ मंजूर नहीं था, फिर भी मैंने ये चीज़ उसके साथ कर दिया, मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ, ऐसे बोल के दोनों ही गिल्ट होते। ऐसे बहुत टाइम बाद ना कृष्णा वॉशरूम से आती है, उसको लगता है कि प्राची सो गई होगी या तो रूम में नहीं होगी, और प्राची को इतना गिल्ट हो रहा होता है कि उसकी निगाहें बार बार वॉशरूम में जा रही होती, उसको ये खबर नहीं होती कि एक दो घंटा बीत गया बट कृष्णा वॉशरूम से बाहर आ ही नहीं रही है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गिल्ट में होती है और खोई खोई सी होती है। तो कृष्णा बाहर निकलती है एकदम नज़रें चुराते हुए, और उसका ध्यान ना प्राची
प्राची की तरफ जाता है तो देखती है कि प्राची की आंखें बिल्कुल वो वॉशरूम पे टिकाए हुए है। तो कृष्णा एकदम से घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है, और प्राची कृष्णा को बाहर देख के वो थोड़ी सी उकट हो जाती है, बोलती और एकदम उठ के आती है और बोलती है कि हे आर यू ऑल राइट। तो कृष्णा को जैसे ही प्राची छूती है ना, कृष्णा को फिर से थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है, बोलती कि मैं फीक हूँ, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मुझे 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 आपके साथ, तो ऐसे में तो समझ नहीं आ रहा होता। तो प्राची को ऐसा लगता है कि कृष्णा मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है और इसीलिए वो इस चीज़ के लिए आई एम सॉरी बोल रही है। तो प्राची बोलते कि हे इट्स ओके, आई एम सॉरी, मुझे 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 आपके साथ इतना फोर्सफुली कुछ कुछ नहीं करना चाहिए, हम नहीं करेंगे, आज के बाद से नहीं करेंगे, आप मेरे पास हो, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। कृष्णा उसको समझाना चाहते कि ऐसा नहीं है, मैं भी ये चीज़ चाहती हूँ, बट मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। ये चीज़ वो प्राची को बोलना चाह रही होती है बट वो भी बोल नहीं पा रही होती है, तो दोनों इधर उधर आके फेर रहे होते हैं। तो कृष्णा बोलते कि मुझे 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 भूख लगी है, तो प्राची बोलती भूख तो मुझे भी लगी है। तो कृष्णा बोलते कि मैं आपके लिए ले ले आऊँगी ना, आपकी तबीयत खराब है। तो प्राची बोलती हाँ प्लीज़ खुद को पहले रिलैक्स करो, मुझसे मुझसे भागने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं है, मैं चल फिर सकती हूँ अभी, सो प्लीज़ मैं आपके साथ ही डिनर कर सकती हूँ। तो कृष्णा बोलते कि हाँ बट, तो प्राची बोलती है बट क्या आप कंफर्टेबल नहीं हो मेरे साथ? तो कृष्णा बोलती नहीं 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 ऐसी ऐसी बात नहीं है, मैं इनफैक्ट बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो प्राची बोलती है कि हाँ क्या मुझसे प्यार नहीं करती? तो कृष्णा बोलती है कि प्यार, तो प्राची बोलती है आई नो मुझसे प्यार नहीं करती ना, मैं ही आपको सारी चीज़ ज़बरदस्ती से कर रही हूँ। तो कृष्णा बोलती है नो 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 ऐसा कुछ नहीं है, आई लव यू। तो प्राची जैसे ही बस सुनती क्या 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 बोला आपने, तो कृष्णा बोलती कि मैं भी आपको पसंद पसंद करती हूँ, नहीं नहीं पसंद करती तो ये सब। तो प्राची उसके लिप्स पे अपना हाथ रख देती है, बोलती कि आप मुझसे सच में प्यार करती हो? तो कृष्णा एकदम इशारे में हाँ बोलती है। तो प्राची बोलती है सच्ची है? तो कृष्णा आंखें ऐसे पलके अपनी नीचे करके झपकती है। तो प्राची ये सुन के एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कृष्णा से एकदम लिपट के ना एकदम हक कर लेती है, बोलती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इसे बोल के बहुत ज़्यादा टाइट हक कर लेती है, इतना कि कृष्णा बेचारी को तो एकदम ही खांसी आ जाती है, एकदम खांसने लगती है। तो प्राची बोलती है आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी, आई नो आप मुझे तो ये बात पहले से पता थी कि आप मुझे प्यार करते हो, बट आपने ये चीज़ मानी इतनी देर से ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो कृष्णा बोलती है मानी तो थी थोड़ी देर पहले जब ये सारी चीज़ हम जो हमारे बीच हो रही थी। तो प्राची को भी थोड़ी सी शर्म आ जाती है थोड़ी देर पहले की बातें ऐसे सोच के, और वो भी थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तो कृष्णा को भी ये चीज़ समझ आती है, तो कृष्णा बोलते कि हम खाने चले, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ही कुछ भूख लगी है, तो प्लीज़ चले, ऐसे बोलती है। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची भी हाँ बोल देती है, तो कृष्णा एक कदम बढ़ाती है, प्राची वहीं पे खड़ी हो जाती है। तो कृष्णा बोलती नहीं जाना, तो प्राची बोलती है कि आप लेके ही नहीं जा रही हो? तो कृष्णा बोलती कैसे लेके जाऊँ तुमको, तुम तो अभी बोली ना तुम ठीक हो और तुम जा सकती हो, तो मुझे तुमको उठा के ले जाने की क्या ज़रूरत है? तो प्राची बोलती कि हाँ उठा के ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप मेरा हाथ तो पकड़ के ले जा सकते हो ना। बट इधर के प्राची को थोड़ा सा वो अकवर बुरा लगता है कि कृष्णा के साथ वो गलत कर दी, बट दूसरी तरफ जैसे कि उसका नेचर होता है कृष्णा को छेड़ना टीज करना, उस चीज़ से भी वो भास तो आने वाली थी ही नहीं। तो वो कृष्णा की तरफ एकदम झुकी ही निगाहों से देखती है, तो कृष्णा पीछे थोड़ा टर्न होकर अपना हाथ देती है, बोलती अब चलो। तो प्राची उसका हाथ पकड़ लेती है और कृष्णा आगे आगे जा रही होती है, और प्राची जो हाथ पकड़ी होती है ना कृष्णा उस हाथ को ही देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, वो अंदर ही अंदर ना एकदम नाच रही होती है, गा रही होती है, एंजॉय कर रही होती है कि कृष्णा ने उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ पकड़ के खुद से लेके जा रही है और उसने अपनी सारे दिल की बात बोल दी। हालांकि इन दोनों में चीज़ें बहुत पहले क्लियर हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट हमारी कृष्णा खुद से ऐसे कभी नहीं बोली थी कि हाँ आई लव यू बोल के। सो हमारी प्राची एकदम नाच रही होती, गा रही होती, एकदम पीछे एकदम एकदम हिल हिल के चल रही होती है, और कृष्णा आगे आगे प्राची के हाथ पकड़ के ऐसे चला जा रहा होता है, और कृष्णा को प्राची एकदम दीवानों की तरह देखी जा रही होती है।
उतने में उनका डाइनिंग हॉल आ जाता है, तो कृष्णा बैठ जाती है, और कृष्णा पहले प्राची के लिए चेयर खींचती है और फिर बैठ जाती है, तो प्राची बैठती ही नहीं, उसे ही उसका हाथ पकड़ के उसको देख रही होती है, तो कृष्णा की मासा बोलती है कि बैठ जा छोरी, देखो तेरे को बैठना नहीं है क्या, खाना नहीं खाना, तो कृष्णा बोलती अरे अरे मासा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उसकी मासा बोलती है कोई तबीयत वबीयत की बहाना मत कर, अभी तो ये लड़की इधर नाचते नाचते तेरे पीछे पीछे आ रही थी और तू बोल रहा है कि उसकी तबीयत खराब थी, तो कृष्णा बोलती है क्या, तो प्राची एकदम से बच जाती है, बैठ जाती है और बोलती कि अरे मासा मासा मैं तो बैठ गई, तो उस कृष्णा बोलती कि मासा आपने क्या बोला कि प्राची नाच रही थी, प्राची तुम नाच रही थी क्या, तो प्राची बोलती नहीं 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 ऐसे करके सर हिलाती, तो कृष्णा की मासा बोलती कि हम झूठ मत बोल छोरी, मैंने तेरे को अभी देखा था, तो कृष्णा के पीछे नाचते नाचते आ रही थी, ऐसा क्यों हो गया छोरे कि तेरे पीछे नाचते नाचते आ रही, जरूर इसने कुछ तेरे साथ फिर से शैतानी की है, तो कृष्णा एकदम से घबरा जाती है, बोलती है नहीं 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 मासा ऐसा 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 कुछ 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 भी नहीं हुआ हम दोनों के बीच, तो उसकी मासा एकदम शक भरी निगाह से कृष्णा को देखती है और बोलती है कि ये नहीं हुआ तुम दोनों के बीच, तो प्राची कृष्णा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अरे मासा वो लड़ाई लड़ाई नहीं हुई हम लोगों के बीच, कृष्णा ये बोलना चाहती थी आपको, वो क्या है ना इसको इसको अपने अपने बात को रखने का ना सही वर्ड नहीं आता है ना कृष्णा, तो मैं ही बोलना चाह रही थी कि हम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई, तो कृष्णा भी एकदम घबरा जाती है और उसके लफ्ज मतलब वो एकदम घबरा जाती है ये सोच के कि मासा को मैं क्या क्या बोलने वाली थी, और वो भी सर नीचे करके ना एकदम खांसने लगती है, तो उतने में उसकी मासा डाइनिंग टेबल के उस तरफ होती है खाना लगा रही होती है, तो कृष्णा की खांसी देख के ना वो पानी उठा के लाने ही वाली होती है कि उतने देर में ना प्राची एक पानी का ग्लास उठा के कृष्णा को पिला देती है, और उसके उसके जो पीठ में ना थपथपाने लगती है, ये चीज़ देख के ना कृष्णा की मासा को बहुत बुरा लगता है, बट कृष्णा खांसते खांसते पानी पी लेती है, तो कृष्णा बोलती कि मासा मासा मैं ठीक ठीक सु मासा मैं ठीक सु, तो कृष्णा की मासा एकदम गुस्से में वो पानी का गिलास साइड में रखती है और खाना लगाने लगती है, और प्राची बड़े प्यार भरी निगाहों से कृष्णा को देखे जा रही होती है, कृष्णा की नज़र इसे प्यार प्राची से मिलती है ना उसको भी बहुत अच्छा लगता है, बट हमारी जो कृष्णा है ना थोड़ी साई टाइप की है, वैसे तो एकदम दमंग है बट प्राची के सामने पता नहीं उसकी क्यों सिट्टी विट्टी घुल हो जाती है, सो एकदम उसे वो नज़र झुका देती है, तो उतनी देर में ना उसके बाबा साहब भी आ जाते हैं कृष्णा के बाबा साहब, और बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि आज केक है खाने में बड़ा स्वादिष्ट महक आ रही है, तुम भी बैठ जा छोरी हम सब मिलके आज नाश्ता आज का डिनर एक साथ करेंगे, तो कृष्णा कृष्णा बोलते हैं हाँ मासा आप भी बैठ जाओ, तो कृष्णा की मासा बोलते हैं ना छोरी अगर मैं भी बैठ गई तो तुम लोगों को खाना कौन देगा, तो प्राची बोलती मासा मैं हूँ ना हम दोनों चलो मिल के सर्व कर लेते हैं फिर बैठ जाएंगे, तो कृष्णा बोलते हाँ हाँ मासा मैं भी तुम लोगों का हेल्प कर दूंगा, तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते हैं कि तू बैठ छोरे हमारे घर के छोरे काम नहीं करते समझा तो बैठ ये दोनों है ना ये कर देंगे, तो कृष्णा बोलते कि नहीं 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 बाबा साहब प्राची प्राची की तबीयत अभी इतनी ठीक नहीं है उसको उसको कुछ कुछ नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ सुन के ना कृष्णा की मासा की जान और जल जाती है, वो बोलते कि हाँ छोरे हाँ थारी बीनी की तबीयत तो खराब से मैं ही इस घर में एकदम सब ठीक हूँ मैं ही सारा काम करूंगा, तो इसके बाबा साहब उसको स्माइल करके देखते रहे बोलते ठीक है छोरी तू भी बैठ जा आज सब मिल के खाते हैं और मैं तेरे खाना परोसता हूँ, तो बैठ ऐसे बोल के कृष्णा के मासा को एकदम बिठा देते, और इतने प्यार से पहली बारी कृष्णा के बाबा साहब कृष्णा के मासा को बिठाते, ये चीज़ देखे ना कृष्णा के मासा खुद ही शोक हो जाती है और कृष्णा और प्राची दोनों शोक हो जाते हैं, तो कृष्णा को जो बोली बोलने वाली होती है कि प्राची उसका हाथ पकड़ लेती है एकदम से टेबल के नीचे से, उसको कृष्णा का साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, तो कृष्णा को समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया, वो जैसे नीचे देखती है ना प्राची एकदम बहुत प्यार भरी निगाहों से उसको देख रही होती है और इशारे में बोलती है कि बाबा साहब कैसे परोस रहे मुझे भी परसो ना, तो कृष्णा भी वो खाने का एक बाउल लाती है और प्राची को परोसने लगती है, उतने में कृष्णा की मासा बोलती है अरे छोरे तू क्या कर रहा है मैं करती हूँ ना तो रहने दे, और ये क्या बोलो सो जी आप बैठो मैं परोस रही हूँ आप लोगों को, तो उसके बाबा साहब बैठ जाते हैं और कृष्णा की मासा सबको परोसती है बट प्राची को एकदम गुस्से में परोसती है थोड़ा सा परोसती है ज़्यादा नहीं परोसती, तो प्राची कृष्णा की तरफ देखती है और वो बोलते हैं कि लगता है मासा मुझे भूख ही मारेगी, एकदम धीरे से उसके कान के पास बोलती है, तो कृष्णा स्माइल करती है और बोलते कि मेरे होते हुए आप कभी भूखे नहीं मरोगे समझी, ऐसे बोल के वो अपने थाली की एक रोटी ना वो प्राची की थाली पे दे देती है बड़े प्यार से, और ये सारी चीज़ें ना कृष्णा की मासा नोटिस कर रही होती है, कृष्णा और प्राची की फेस से ना स्माइल जा ही नहीं रही होती है, और प्राची टेबल के नीचे से ही ना कृष्णा का हाथ पकड़ ली होती है राइट हाथ, तो कृष्णा खा ही नहीं पा रही होती है,
तो प्राची बोलती कि आप खा क्यों नहीं रही हो, तो कृष्ण एकदम इशारे में बोलते कि पहले हाथ तो छोड़ो फिर ना मैं खाऊंगी। तो प्राची बोलती है अरे खाओ ना, प्राची एकदम जानबूझ के शरारत करती है। तो कृष्ण बोलते हाँ, तो प्राची बोलते क्या बोल रहे हो आप, नहीं खाना अपने हाथों से, मैं आपको खिलाऊँ। तो कृष्ण एकदम गुस्से में प्राची की तरफ बोलती है और बोलती क्या बोल रहे हो, मुझे अपने हाथ से खाना है, हाथ तो छोड़ो। तो प्राची बोलती अरे इट्स ओके, मासा तो दूर बैठी है, मैं खिलाती हूँ अपने हाथों से। ऐसे बोल के अपने थाल के होने वाला तोड़ती है रोटी और कृष्णा को अपने हाथों से खिला देती है। तो कृष्णा वो की मौसा एकदम घूर के कृष्णा की तरफ देखती है और कृष्णा की नजरें भी तभी उसकी मौसा की तरफ ही मुड़ी होती है। तो उसकी मौसा बोलती है कि उसकी मौसा एकदम घूर के देख रही होती, तो कृष्णा क्या करती है वो एकदम इधर उधर नजरें फेरती है और एकदम सर नीचे कर देती है। तो कृष्णा की मौसा को प्राची के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये कर क्या रही है मेरे लड़की के साथ। और उधर कृष्णा के बाबा से एकदम मजे से खाते हैं और इन दोनों को इतने प्यार से खाता हुआ देखिए वो भी इस चीज को बहुत एंजॉय करते हैं। और इधर बिचारी कृष्णा उससे ना वो निवाला निगलते बन रहा था ना उगलते बन रहा था, वो धीरे धीरे प्राची को बोलती कि हाँ छोड़ो मासा गुस्सा हो रही है। तो प्राची और टाइटली कृष्णा का हाथ पकड़ लेती है और एक एक निवाला करके ना उसको खिलाने लगती है। तो कृष्णा के पास बेचारे के पास कोई ऑप्शन तो होता ही नहीं है, वो एक निवाले के साथ एक पानी का घूंट, एक निवाले के साथ एक पानी का घूंट ऐसे पी पी के ना निवाला खा रही होती, क्योंकि मासा की दहशत और बीवी के ड्रामे भाई दोनों ही इस पर भारी पड़ जाते हैं। और बेचारी कृष्णा करे तो करे ही क्या, कोई तो बचा लो हमारी कृष्णा को। तो वो जैसे तैसे करके खाना खत्म कर देती है और प्राची भी एक निवाला कृष्णा को खिला रही होती है और एक निवाला खुद खा रही होती है। ऐसे करके ना खाना खत्म हो जाता है, जब ना सब उठ जाते हैं कृष्णा भी उठने लगती है, तो कृष्णा की मासा बोलते तू क्या कहाँ जा रही है छोरी, बर्तन उठाना से तू भूल रहे है क्या, तो ऐसे बोल के उसको रोक देती है। तो कृष्णा की मासा की बात सुनकर प्राची रुकने लगती है। तो कृष्णा बोलती है कि तुम प्राची तुम क्यों रुक रही हो, तो प्राची बोल प्राची शर्म में बोलती है कि बर्तन रखना है। तो कृष्णा बोलती है नहीं 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 तुमको ये सब नहीं करना है, तुम भूल रही हो तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमको मेडिसिन लेना है। तो कृष्णा की मासा एकदम गुस्से से कृष्णा की तरफ देखती है। तो कृष्णा बोलती है कि अरे नहीं नहीं मासा मासा प्राची प्राची कर रही है ना, इनफैक्ट मैं भी आपको हेल्प कर रहा हूँ, एकदम एकदम वो एकदम घबरा जाती है। तो कृष्णा की ऐसी हालत देखे ना प्राची के वॉइस से ना फेस से स्माइल निकल जाती है और वो हंसने लगती है जोर से। तो ये देखे ना उसकी मौसा एकदम और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती कि मैं मजाक कर रही हूँ कि चोरी तू हंस रही है यहाँ पे, थारे को बर्तन उठाना है उठा, नहीं तो जा यहाँ से, वैसे भी तेरी ही तबीयत खराब है, बस हमेशा तेरी ही तबीयत खराब होती रहती है, बाकी सब इस घर में तो एकदम सही है। एक ऐसे बोल के ना वो बर्तन एकदम जोर जोर से उठा रही होती कि जैसे वो बर्तन टूट ही जाए। तो कृष्णा अपनी मासा का गुस्सा देख के लगता है यार मासा को नहीं मनाई ना इस घर में सच्ची में कलेश आ जाएगा। तो वो धीरे धीरे बर्तन उठा के अपनी मासा की हेल्प करने जाती है। तो उसकी मासा बोलते हैं कि छोरे तेरे को बर्तन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, से जा अपने रूम में सो। तो कृष्णा बोलती नहीं मासा आप उठा रहे हो, मैं कैसे नहीं उठाऊँ, हाँ हाँ आप रेस्ट करो, मैं सारा कर देता हूँ। तो एकदम उसकी मासा बोलती है कि नहीं नहीं तू भी जा अपनी बिन्नी के साथ सो जा, मैं हूँ ना इस घर की नौकरानी करने के लिए, ऐसा बोल के तोड़ ही देती है प्लेट। तो प्राची को भी बुरा लगता है ये सारी बात सुन के, जितनी उसकी फेस में स्माइल होती है ना सारी की सारी स्माइल चली जाती है और जो टूटा हुआ बर्तन को ना वो खुद उठाने लगती है। तो उसकी मासा बोलती है कोई ज़रूरत ना ना से सॉरी मैं कर लूँगा तू जा यहाँ से, ऐसे बोलकर उसको धक्का टाइप दे देती है। तो प्राची बोलती है अरे नहीं मासा मैं करती हूँ, आप जाओ आप रेस्ट कर लो, मैं वैसे भी मैं ठीक ठीक सूँ अभी, मैं ठीक सूँ मासा, ऐसे बोल के वो अपनी मासा की तरफ कृष्णा की मासा की तरफ देखती है। तो कृष्णा की मासा एकदम गुस्से में दोनों को देख रही होती है। तो बेचारी कृष्णा चाह के भी इस बार प्राची की हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि वो प्राची की हेल्प करने जाती है ना तो कृष्णा की मासा गुस्सा हो जाती है। और हमारे इंडियन मर्दों का क्या हालत होता है आप सभी को पता है, माँ और बीवी के बीच में, और बेचारी कृष्णा के साथ भी सेम चीज़ हुआ होता है और वो एकदम रुक ही जाती है। तो प्राची उठाते उठाते ना बर्तन उसके हाथ में थोड़ा सा कट लग जाता है, बट प्राची वो चीज़ दिखाती नहीं है, वो जो फूटी हुई बर्तन हो उसको सारा का सारा उठाती है और झाड़ू लगे क्लीन करती है और एक एक करके सारा बर्तन उठाती है। कृष्णा को ये सारी चीज़ अच्छी नहीं लगती और उसकी मासा एकदम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो कृष्णा और तो प्राची सारा का सारा बर्तन ले जाके ना वॉश मशीन में रख के एक एक करके धोने लगती है। तो कृष्णा तभी आ जाती है, बोलती है कि तुम साइड हटो मैं करती हूँ। तो प्राची की आंखों में आंसू आते हैं, वो बोलते कि नहीं मैं करती हूँ, नहीं तो मासा मासा देख लेंगी तो फिर उनको लगेगा कि मैं तुमसे काम करवा रही हूँ। तो कृष्णा बोलती है अरे वो नहीं दिखेंगी मासा प्लीज़ करने दो। तो प्राची बोलते नहीं 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 आप हटो आप जाओ रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ऐसे
ऐसे बोल के प्राची की आंखों में आंसू आते हैं कि मतलब हर बारी में टॉन्ट करता है कि वो इंसान यार, जैसे कि सास बहू को करती है तो प्राची को भी सेम करती है कृष्णा की माँ साथ। तो उसको थोड़ा सा बुरा लगा होता है उस बात का, उसकी उसके हाथ पर कट तक लग चुके होते बट उसको उस बात का पता ही नहीं चलता, और वो काम है कि किए जा रही होती है किए जा रही होती है, थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं लेती ना। एकदम प्राची को अपने तरफ टर्न करती है और देखती है कि उसकी आंखों में आंसू है, तो उसका फेस थोड़ा सा ऊपर उठाती है, बोलती है कि प्राची क्या हुआ है, कुछ कोई प्रॉब्लम है? मासा की बातों का बुरा मत मानो प्लीज़, वो दिल की अच्छी है बट सुभान की पता है ना तुमको। तो प्राची बोलती है नहीं मेरी आंखों में पानी चला गया इसीलिए पानी आ गया। तो कृष्णा बोलती अच्छा तुम्हारी आंखों में पानी चला गया है तो मैं साफ़ कर दूं? तो प्राची बोलती नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप जाओ रेस्ट करो, आपकी भी तबीयत ख़राब थी ना। तो कृष्णा बोलती अच्छा जी मेरी तबीयत ख़राब थी पर मुझे जहाँ तक पता है मुझसे ज़्यादा मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी। तो जैसे ही प्राची कृष्णा के मुँह से उसके लिए वाइफ वाला वर्ड सुनती है ना, तो एक टकेले कृष्णा की तरफ देखते ही रह जाती है। तो कृष्णा बोलती क्या हुआ ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, यानी कि जीवन संगिनी, यानी कि तुम मेरी मेरी अर्धांगिनी, तो आई गेस हम दोनों को हमारा सारा काम आधा आधा पार्ट लेना चाहिए, और वैसे भी मैं तो किसी काम का हूँ नहीं तो तुम्हारा काम है हम आधा आधा पार्ट लेते हैं ना। तो प्राची बोलती ऐसे क्यों बोल रही हो तुम, किसी तुम बहुत काम के हो? तो कृष्णा बोलती हाँ मैं बहुत काम का हूँ बट इसीलिए तो आपके काम में थोड़ा सा हाथ बटा लूँ प्लीज़। तो प्राची बोलती नहीं नहीं मैं खुद से कर लूँगी। तो कृष्णा बोलती है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो प्राची बोलती अरे बाबा आपको बर्तन धोना आता ही कहाँ है? तो कृष्णा को प्राची बोलती है कि मैं कर लूँगी आप चाहो। तो कृष्णा बोलती कि मुझे नहीं आता तो आप सिखा दो ना, और वैसे भी वाइफ का तो काम होता है अपने हबी को सारे सारा काम सिखाने का। तो कृष्णा वो को प्राची बोलती अच्छा जी और ये कहाँ पे लिखा है? तो कृष्णा बोलती नहीं लिखा तो लिख दो। तो प्राची बोलती अब हटो भी मुझे बर्तन धोना, ऐसे बोल के ना टैप ऑन कर लेती है। तो कृष्णा उसके पीछे से आती है और जो जो बर्तन पे ना प्राची ऐसे साबुन लगाने होती है, जो बर्तन वॉश का जो होता है साबुन वो लगाने लगती है, तो कृष्णा भी उसका हाथ पकड़ के ना पीछे से उसके कंधे पे अपना सर रखे ना, बोलती अच्छा ये ऐसे वॉश करते हैं, ऐसे बोल के वो प्राची को एकदम टाइटली पीछे से पकड़ी होती है, मतलब उसके पीछे खड़ी होती है और उसके कंधे पे सर रखे ना वो प्राची को ऐसे बर्तन धोने में हेल्प कर रही होती है, हेल्प से कम कर रही होती है और प्राची को एक्साइटेड ज़्यादा कर रही होती है, वो बात अलग है। तो प्राची बोलती क्या 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 कर रहे हो ये? तो कृष्णा बोलती हेल्प कर रहा हूँ तुमको। तो प्राची बोलती तुम हेल्प हेल्प कर रही हो कि कुछ कुछ और? तो कृष्णा बोलती कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं तो बस हेल्प कर रहा हूँ। तो प्राची बोलती कि तुम हटो, ऐसे हेल्प किया ना मैं सुबह तक भी बर्तन धो नहीं पाऊंगी। तो कृष्णा बोलती कि फिर मुझे करने दो। तो प्राची बोलती नहीं 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 मामा मासा देखेंगे तो हाँ क्या बोलेंगी? तो कृष्णा बोलती फिर मुझे हेल्प करने दो। तो प्राची बोलती कि नहीं ना मुझसे नहीं रहा जा रहा। तो कृष्णा बोलती क्यों नहीं रहा जा रहा आपसे? तो प्राची बोलती कि समझो ना आप इतने मेरे क्लोज रहते हो तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है। तो कृष्णा बोलती अच्छा क्या होने लगता है, ऐसे बोल के ना धीरे से उसके कान पे कहती है। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची ना एकदम तो उसके पैर कांप जाते हैं और थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। तो कृष्णा उसको अपने बाहों में थाम देती है और बोलती है देखा मैंने बोला था ना आपकी तबीयत खराब है आप हटो मुझे करने दो, ऐसे बोल के ना प्राची को साइड हटा देती है और सारा का सारा बर्तन वो खुद करने लगती है। बोलती कि ऐसे वॉश करते हैं ना ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे बोल के ना वो बर्तन को घिसी जा रही होती। तो प्राची को भी एकदम शर्म सूझती है, बोलती है कि देखो देखो वहाँ पे ना थोड़ा लगा अच्छे से घिसो अच्छे से। तो कृष्णा एकदम सीरियस होते बोलते कहाँ कहाँ लगाया मैंने तो यहाँ पे खींचा था यहाँ पे तो कुछ कुछ भी नहीं है। तो प्राची बोलती अरे नहीं वहाँ पे बाबा वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगा है। तो कृष्णा प्राची के मुँह पे प्राची की तरफ जैसे देखती है तो प्राची के पीछे एकदम स्माइल आ जाती है। तो कृष्णा बोलती जानबूझ के मुझे तंग कर रही हो ना? तो प्राची बोलती नहीं मैं आपको तंग कर सकती हूँ? तो कृष्णा बोलती कि तुम मुझे तंग कर रही हो? तो प्राची बोलती नहीं 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 मैं बिल्कुल भी तंग नहीं कर रही हूँ। तो कृष्णा प्राची की तरह वो जो पानी होता है ना एकदम एक से फेंकती है। तो कृष्णा के ऐसे पानी फेंकने से ना प्राची के ऊपर ना छींटा ऐसा लग जाता है। तो प्राची बोलती तुम कर क्या रहे हो? तो कृष्णा बोलती कि वही जो तुम कर रही थी मेरा मजाक उड़ा रही थी ना जो मैं नहीं करती। तो प्राची बोलती वो तो मैं पहले ही बोल रही थी मत करो। तो कृष्णा बोलती नहीं 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 मैं करती हूँ। तो प्राची बोलती है कि अच्छा तो तुमको करना है? तो कृष्णा बोलती हाँ करना है। तो प्राची भी वो पानी का छींटा फिर से कृष्णा के ऊपर फेंकती है। तो कृष्णा बोलती हाँ तुमने क्या किया? तो प्राची बोलती तुमने किया तो सही मैंने किया तो गलत क्यों?
क्यों क्यों, ये अन्याय क्यों? तो कृष्णा बोलती कि हाँ, मैं नहीं हुआ। तो कृष्णा को प्राची बोलती है कि वो तो मैं बहुत हूँ, ऐसे बोल के फिर से पानी का छीटा लेके ना कृष्णा के फेस पे फेंक देती है। तो कृष्णा बोलती प्राची, तो प्राची और से फेंक देती है, और ये दोनों ना ऐसे पानी का छीटा एक दूसरे की तरफ फेंक फेंक के ना एकदम खेल रहे होते, कभी कृष्णा पे प्राची के पीछे, कभी प्राची कृष्णा के पीछे, ऐसे भाग रही होती है। और भागते भागते ना कृष्णा प्राची को गोदी में उठा लेती है, एकदम घुमा के ना उसको स्लैब के ऊपर बिठा देती है, और बोलती कि चुप अब यहीं पे बैठना, उतरने की ना बिल्कुल कोशिश मत करना, ठीक है, मैं तब तक बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। तो प्राची बोलती बैठ तुमको, तो कृष्णा बोलती मैंने बोला ना माउथ पे हाथ रखो, तो प्राची बोलती नहीं मैं नहीं रखने वाली। तो कृष्णा बोलती नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, फिर बात नहीं करूंगी तुमसे। तो प्राची बोलती ओके 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 मैं रखती हूँ, बैठ गुस्सा गुस्सा मत होना प्लीज़। तो कृष्णा एकदम हंसने लगती है और बोलती कि रखो वेले। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची एकदम अपने लिप्स पे हाथ रख देती है, और कृष्णा एकदम स्माइल करके कर सारा बर्तन धो के एकदम साइज करके लगा देती है। तो प्राची को बोलती अब बोल सकती हो, तो प्राची बोलने लगती है, तो बोलती कि तुम मुझे नहीं बात करना तुमसे। तो कृष्णा बोलती क्यों नहीं बात करना तुमसे, अब चलो रूम में चलते हैं। तो जैसे कृष्णा आगे बढ़ती प्राची स्लैब से उतरती ही नहीं। तो कृष्णा बोलती उतरो भी, तो प्राची बोलती चढ़ाया तो तुमने था ना, उतारो कि तो तुम ही, मैं कैसे उतरू, मैं गिर विर गई तो मेरे पैर वैर टूट गए। तो कृष्णा एकदम सर पे हाथ रख देती है और बोलती कि तुम स्लैब से गिर के तुम्हारे पैर टूट जाएगा। तो प्राची बोलती हाँ मैं बहुत कमजोर हूँ ना, मैं वैसे भी मेरी तबीयत खराब है ना। तो प्राची को जैसे कृष्णा उतारने जाती है ना, कृष्ण प्राची बोलती पीछे घूमो। तो कृष्णा बोलती पीछे घूम के कैसे उतारूं, तो कृष्ण प्राची बोलती घूमो। तो कृष्णा जैसे ही घूमती है ना, तो प्राची उसके कंधे पे आ जाती है। तो कृष्णा बोलती अरे 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 कि इतनी भारी चीज़ मेरे कंधे पे, हे भगवान मैं कहीं गिर ना जाऊँ। तो प्राची एकदम जोर से एकदम उसके कंधे पे मारती है, बोलती चुपचाप मुझे उठा के लेके जाओ, ये तुम्हारा पनिशमेंट है। तो कृष्णा बोलती किस चीज़ का पनिशमेंट? तो प्राची बोलती यही कि मुझे बर्तन नहीं धोने दिया। तो कृष्णा बोलती भाई उस चीज़ के लिए तो इनाम मिलना चाहिए ना, पनिशमेंट कौन देता है, मैंने तुम्हारा सारा काम कर लिया। तो प्राची बोलती अच्छा इनाम चाहिए आपको? तो कृष्णा बोलती हाँ इनाम चाहिए, दो दो इनाम दो। तो कृष्णा की ना जिसको ऐसे जोर से खींच लेती है, प्राची बोलती ये रहा तुम्हारा इनाम। तो कृष्णा बोलती ओह यार ये क्या कर रही हो तुम? तो कृष्णा को प्राची बोलती यही इनाम है आपका। तो कृष्णा बोलती देखो दिस इज नॉट फेयर, ऐसे नहीं करते अच्छे बच्चे, बिल्कुल ऐसे नहीं करते। तो कृष्णा को प्राची बोलती कि तो फिर क्या इनाम चाहिए आपको? तो प्राची बोलती है, तो कृष्णा बोलती है कि वही जो हस्बैंड को इनाम में देते हैं। तो प्राची बोलती अच्छा जी वो क्या होता है? तो कृष्णा बोलती वही जो जो लिप्स से चिक्स पे करते हैं ऐसे करके। तो प्राची बोलती कैसे करके बोलना जरा, प्राची को समझ तो सब आ रहा होता है बट वो कृष्णा को छेड़ रही होती है। तो कृष्णा बोलती कि वो देते हैं ना वाइफ लोग हवी को। तो प्राची बोलती कि वो क्या देते हैं बोलो ना। तो कृष्णा बोलती वही। तो प्राची बोलती क्या बोलोगी तो पता चलेगा ना, वो ही क्या होता है क्या चमाटा छमाट। तो कृष्णा बोलती कि नहीं किससे बाबा। तो प्राची बोलती अरे आपको किससे चाहिए? तो कृष्णा के मुंह से एकदम निकल जाता है, तो वो एकदम चुप बैठ जाती है। तो बोलती प्राची बोलती बोलो बोलो ना क्या चाहिए? तो कृष्णा बोलती कि नहीं कुछ 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 भी नहीं चाहिए। तो कृष्णा कृष्णा के चिक्स पे ना प्राची तुरंत से किस कर लेती है, और कृष्णा एकदम शौक होकर ना खड़ी हो जाती है। तो प्राची बोलती चलो आप रूम में। तो कृष्णा बोलती है हाँ, चल रही हो ना, ऐसे बोल के वो प्राची को अपनी गोदी में उठा के लेके जा रही होती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्राची के घर वाले एकदम स्टेशन पे आ चुके होते हैं राजस्थान के लिए, एकदम ट्रेन पकड़ने उसके पापा आते हैं ट्रेन से, मतलब ट्रेन में बैठ जाते। तो उसकी मासा उसको छोड़ने आते हैं और बोलते हैं कि प्राची के साथ ही आना, और कुछ भी दिक्कत हो ना तो मुझे कॉल करके आना। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ हाँ भागवन 2 दिन का रिश्ता है, मुझे सफ़र शुरू तो करने दो, उसके पास पहुँच जाऊँ मैं, देख लूँ वो ठीक है कि नहीं। वैसे उसकी दोस्त ने तो बताया था कि वो ठीक है एकदम, तो तुम उसकी इतनी चिंता मत करो। बट पता है ना हमारी लड़की कितनी पागल है, वो अपना क्या ध्यान तो उसको रखना आता ही नहीं है, अपने अलावा हर किसी का ध्यान रखती है। तो उसकी मासा बोलती है कि उसके कान खींच के ना उसको मेरी तरफ से भी डांट लगाना, और उसको इस बार घर लेके आना, कोई ज़रूरत नहीं है कैम्बे में जाने की, मेडिकल कॉलेज में है ना उतना काफ़ी है, ऐसे बोल के वो अपने उसके अपने हस्बैंड को बिताया देती है। और कृष्णा और प्राची के पापा ट्रेन में बैठ जाती है कृष्णा के राजस्थान के लिए, प्राची को लेने आने के लिए। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है, क्या कृष्णा के पापा प्राची को लेने आते हैं और क्या प्राची उनके साथ चली जाती है, और इन दोनों के बीच में अभी तो मोहब्बत शुरू हुई थी यार, और कहानी में ये क्या ट्विस्ट आने को है। ये सब तो जानने के लिए आप सभी को बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आप
आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और आपको अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। और मेरी एनर्जी लो है उसके लिए आई एम सॉरी, और मैनेज कर लीजिए कि यार, बाय बाय।